जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज सामने हमारे यहां पे टाटा नेक्सॉन का XMS वेरिएंट। आपको इस वेरिएंट के बारे में एक चीज बताता हूं, टाटा नेक्सॉन के पास में ना दूसरा वेरिएंट आता था टाटा नेक्सॉन का XM वेरिएंट। टाटा ने क्या किया भाई, उसी वेरिएंट को अपग्रेड किया और उसको XMS बना दिया। तो अपग्रेड में चार फीचर्स टाटा नेक्सॉन में डाले गए जो कि इस वेरिएंट में हैं। आज की इस वीडियो में ना कंप्लीट वॉक अराउंड करने वाले हैं और वो चार फीचर कौन कौन से डाले ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आपको बता दूं भाई, ये जो गाड़ी यहाँ पे टाटा नेक्सॉन XMS वेरिएंट है, इसका एक्स शोरूम जो हमें देखने को मिलता है 9,29,000 का हमें यहाँ पे एक्स शोरूम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे टाटा नेक्सॉन भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो सेल है वो है भाई यहाँ पे इस गाड़ी की। इसकी अगर मैं सेल की बात करूँ ना भाई, 14 से 15 हज़ार यूनिट हर महीना इस गाड़ी की यहाँ पे सेल आउट होती है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप गाड़ी का व्हील बेस देखो भाई, व्हील बेस इसका है 2498 mm का। लेकिन भाई व्हील बेस तो कम है, बट ये गाड़ी वैल्यू काफ़ी एड ऑन कर रही है। कम मैंने इसलिए बोला यहाँ पे, अगर हम बात करें XUV300 उसका भाई इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा व्हील बेस आता है जो कि आता है 2600 mm। बट भाई उस गाड़ी का प्राइस उसका काफ़ी ज़्यादा हाई है। साथ ही साथ नेक्सॉन अगर XMS का देखें तो ये यहाँ पे 9,29,000 का आ रहा है। बता दूँ इसका जो पोर्टफोलियो शुरू होता है ना वो भाई इसका प्राइस शुरू होता है 7,69,000 से और टॉप मॉडल तक आते आते इसका प्राइस होता है 14,12,000 का। आपको इस गाड़ी के अंदर भाई यहाँ पे यकीन नहीं होगा, यहाँ पे कम से कम 12 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। मैनुअल में भी है, AMT में भी है, प्लस पेट्रोल इंजन में भी है, डीजल इंजन में भी है। 12 वेरिएंट्स में हमें ये गाड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ फ्रंट में हमें कुछ इस तरीके से भाई ग्लॉसी फिनिश की ग्रिल देखने को मिल रही है टाटा के बेज के साथ में। साथ ही साथ हेडलैम्प पे नज़र मारें तो कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लैम्प मिल रहे हैं। ये प्रोजेक्टर लैम्प है लो बीम के लिए और हेलोजन लैम्प हमें हाई बीम के लिए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साइड टर्न इंडिकेटर और यहाँ पे फॉग लैम्प का प्रोविज़न हमें दिया जा रहा है, जिसमें भाई ग्लॉसी फिनिश हमें साइड में एलिमेंट्स में देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये आप देखिए मैट फिनिशिंग में हमें लोअर पार्ट हमें यहाँ पे बम्पर का देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। और ये यहाँ पे ट्राई एरो का रिजेम्बलेंस हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। अब ये पार्ट रहा, इसके साथ में यहाँ पे आप भाई साइड में अगर बात करूँ तो ये है कुछ इस गाड़ी का साइड में भाई यहाँ पे हमें टायर प्रोफाइल देखने को मिलते हैं। 16 इंचेस के टायर देखने को मिल रहे हैं जो कि भाई स्टील व्हील है, लेकिन यहाँ पे व्हील कवर का प्रोविज़न है कुछ इस तरीके से, हमें व्हील कवर देखने को गाड़ी का मिल रहा है। टायर अगर मैं बात करूँ करेंटली ये जो टायर लगे हुए हैं ना, ये भाई गुड ईयर के टायर हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। और व्हील आर्च पे नज़र मारें तो भाई ये यहाँ पे मैट फिनिशिंग में व्हील आर्च है विद रनिंग बोर्ड कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे साथ में जा रहा है। डोर पे अगर नीचे देखें तो यहाँ पे डोर साइड क्लैडिंग हमें मैट फिनिशिंग की देखने को मिल रही है। अब गाड़ी में यहाँ पे ए पिलर भाई यहाँ पे मैट फिनिशिंग का कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा है। इसके साथ ORVMs भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। यहाँ पे डोर हैंडल पे नज़र मारें तो भाई यहाँ पे मैट फिनिशिंग में कुछ इस तरीके से डोर हैंडल देखने को मिल रहा है और ड्यूल टोन के सेटअप में ये गाड़ी कुछ ऐसे आ रही है। अब एक नज़र और ऊपर डालते हैं भाई, यहाँ पे देखिए सनरूफ, ये यहाँ पे सनरूफ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है विद रूफ रेल के साथ में। तो ये रूफ रेल का एक एलिमेंट डिज़ाइन के लिए यहाँ पे डाला गया है और इसके साथ ये शार्क फिन एंटीना हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे भाई स्पॉइलर भी देखने वाली बात है, स्पॉइलर पे अगर हम नज़र मारें तो हाई माउंटेड LED स्टॉप लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे भाई ये यहाँ टाटा का बेज इम्पोज्ड होके कुछ इस तरीके से हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे साइड में अगर मैं बात करूँ तो स्प्लिट टेल लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे LED लैंप्स देखने को मिल रहे हैं बाकी हेलोजन बल्ब के सेटअप के साथ कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं। नीचे हम यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर हमें मिल रहा है विद ग्लॉसी फिनिश के साथ में। और ये यहाँ पे बम्पर पे नज़र मारें तो इस तरीके से रियर का हमें बम्पर ऐसा देखने को मिल रहा है, ट्राई एरो डिज़ाइन की थीम कुछ ऐसी। अब मैं आपको ना गाड़ी की चाबी दिखाता हूँ, तो अगर यहाँ पे इस वेरिएंट की चाबी देखें तो कुछ इस तरीके से हमें की देखने को मिल रही है। तो प्राइमरी की हमें यहाँ पे
इस तरीके से देखने को मिल रही है, जिसमें हमें लॉक अनलॉक प्लस फॉलो मी होम का फीचर हमें देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से टाटा का बेज ये देखने को मिल रहा है, और सेकेंडरी की हमें यहाँ पे मैन्युअली कुछ ऐसी देखने को मिल रही है इमोबिलाइजर के फीचर के साथ और टाटा का अच्छा बेहतरीन बेज। तो भाई अब मैं यहाँ पे सबसे पहले गाड़ी को लॉक तो है ही अनलॉक करते हैं। तो ये अनलॉक किया, ORVM आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बाहर है। ये यहाँ पे फॉलो मी होम का बटन है, इसको भी देख लेते हैं दबा के। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से प्रोजेक्टर लैंप जल गए। तो ये कुछ ऐसे रहेगा भाई, इनके हिसाब रात को है आपको गाड़ी के पास आना है, लेकिन भाई बहुत अंधेरा है दिखाई नहीं दे रहा, तो मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करने से बेहतर है नेक्सॉन की फॉलो मी होम को आप ऑन करो, जिससे आप विजिबिलिटी और बेटर तरीके से देख पाओ, आपकी विजिबिलिटी और एनहेंस हो गए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये है भाई गाड़ी, अनलॉक करते हैं गाड़ी कुछ इस तरीके से। तो ये जो गाड़ी है भाई, ये AMT ट्रांसमिशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं अबाउट दी AMT ट्रांसमिशन। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है भाई टाटा का ना, कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें दे रखा है कि किस तरीके से गाड़ी को ऑपरेट करना है। अब ये रहा इसके साथ में डोर पे भाई, ये यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिकली ORVM कुछ ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं जॉयस्टिक के कंट्रोल के साथ, और ये पैनल ऐसा मिल रहा है। बता दूं भाई यहाँ पे 4 स्पीकर हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विटर हमें यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। तो ट्विटर इसमें अवेलेबल नहीं आएगा, बट येस दिस व्हीकल इज़ अवेलेबल विद 4 स्पीकर्स और कुछ इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश भाई। ये सैटन फिनिश यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, सो नॉट सैटन, ये भाई ग्लॉसी फिनिश है, ग्रे कलर की ग्लॉसी फिनिश के साथ ये यहाँ पे ऐसी प्रोविज़न दे रखा है विद 4 यहाँ पे भाई सेंट्रल लॉकिंग के बटन्स। अब अंदर नज़र मारें तो ये यहाँ पे सीट्स को मैं फैब्रिक सीट्स में ये गाड़ी अवेलेबल है, तो कुछ इस तरीके से भाई ये फैब्रिक सीट्स हमें देखने को मिल, ये बकेट सीट्स हैं भाई, ये कुछ ऐसे हुआ। अब एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं अंदर से गाड़ी कैसी है। तो सबसे पहले भाई इसका स्टीयरिंग, भाई यहाँ डी शेप स्टीयरिंग कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ग्लॉसी फिनिश के सेटअप के साथ। और ये यहाँ पे भाई इसका DIS को भी एक बार एक्सप्लोर करते हैं, कैसा है ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये कुछ इस तरीके से हमने चाबी लगा दी एंड दैट्स इट। सो ये हमें देखने को मिल रहा है कुछ ऐसा गाड़ी को, AMT ट्रांसमिशन पेट्रोल इंजन है, स्टार्ट करते हैं। ऑड नंबर सिलेंडर होने की वजह से इनिशियली ना वाइब्रेशन गाड़ी में है, बहुत हल्की, शुरू में जो हुआ था ना, मतलब हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। सो ये है कुछ गाड़ी, भाई आवाज़ जो आ रही है ना, मतलब आप थोड़ी देर में इस आवाज़ को भूल जाओगे, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे है हरमन का म्यूज़िक सिस्टम विद 4 स्पीकर्स के साथ में। तो भाई गाड़ी चलाते चलाते म्यूज़िक आप एंजॉय करो। तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ सेटअप देखने को मिलेगा। ये रहा इसके साथ, अब मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लोर कराता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो ये डैशबोर्ड कुछ हमें ऐसे देखने को मिल रहा है विद नेक्सॉन के बेज के साथ। ये यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें, और इसके साथ यहाँ नीचे नज़र डालें तो भाई कुछ इस तरीके से इसके कंट्रोल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आप ब्लोअर की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत तेज़ इसके ब्लोअर होते हैं, एयर का जो फ्लो होता है ना बहुत अच्छा है। सो ये हुआ रीसर्कुलेशन ऑन ऑफ AC का, प्लस ये यहाँ पे HVAC यूनिट हमें दे रखी है इसके साथ, टेल बूट का, बूट को एक्सेस करने के लिए कुछ ये बटन दे रखा है। ये है 6 स्पीड AMT ट्रांसमिशन। भाई AMT ट्रांसमिशन ना सिटी ट्रैफिक के लिए अगर मैं बात करूँ ना, जैसे मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, लिटरली भाई AMT की ना ज़रूरत है, जिस हिसाब से यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है ना, तो बहुत सही यहाँ पे प्रोविज़न दे रखा है। AMT 6 स्पीड है, और अगर आपका मन हो मैनुअल पे करने का तो भाई इसे मैनुअल पे कर दो। ये अभी यहाँ मैनुअल पे आया, अब ऐसे प्लस प्लस, ये माइनस ऐसे, और ऑटोमेटिक पे करना है तो ऑटोमेटिक पे कर लो। तो ये रहा
अब सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड आपने सुनी लिया होगा, तो भाई ये यहाँ पे ड्राइव मोड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट, कुछ इस तरीके से हमें ये ड्राइव मोड देखने को मिल रहे हैं। प्लस एक एम्पल अमाउंट यहाँ पे पैसेज दे रखा है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसा प्रोविज़न है। अब गाड़ी में एक बार ग्लो बॉक्स देखते हैं, तो ये है गाड़ी का ग्लो बॉक्स। भाई ग्लो बॉक्स देखो कितना बड़ा है, यहाँ कप होल्डर भी है, आप देख रहे हो कप होल्डर के साथ ये यहाँ पे टाइगर का बेज कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। सो ये हुआ टिकट होल्डर्स, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप टोल की पर्चियाँ कुछ ऐसे रख सकते हो। तो ये हुआ, ये यहाँ पे कॉइन्स आप रख सकते हो, विजिटिंग कार्ड कुछ भी आप यहाँ पे अच्छा खासा एक ऑर्गेनाइज वे में आप यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं। ये रहा, अब एक बार सेकेंड रो पे भी चलते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, आप यहाँ देख सकते हो ये सिंबल, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी है, तो ये अम्ब्रेला का सिंबल ये यहाँ कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ऐसा। अब सेकेंड रो को चलते हैं, सेकेंड रो एक्सेस करते हैं। तो ये यहाँ पे सेकेंड रो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रही है। तो फैब्रिक सीट्स यहाँ पे सेकेंड रो में आ रही है ट्राई एरो डिज़ाइन के साथ, और अंदर अगर बात करें ग्लॉसी फिनिश में हमें ये कुछ यहाँ फिनिशिंग दे रही आ रही है। इसके साथ ये यहाँ पे ब्लोअर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये रहा इसके साथ, यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे होता है, अगर गाड़ी में ना बूट स्पेस को मेरे को एक्सेस करना है तो बड़ा दिक्कत है, कहीं प्रोविज़न ही नहीं है। देखो बस ये जगह है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा सेंसर या रिक्वेस्ट सेंसर कुछ नहीं है, तो उसके लिए गाड़ी के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे बटन को दबाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, दबाते ही और ये रहा, काफ़ी अच्छा खासे एक अमाउंट का यहाँ पे एम्पल बूट स्पेस है। ये यहाँ पे लैम्प्स भी दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। अब स्पेयर व्हील भाई यहाँ पे, तो ये है कुछ गुडियर का टायर जो कि है R16 का स्पेयर व्हील, हमें यहाँ पे R16 इंचेस का गुडियर का टायर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये पार्ट रहा, और इसको इस तरीके से हम लगा देते हैं। सो ये रहा इसके साथ, ये यहाँ पे अलग से कुछ सामान आपको माउंट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। तो ये रहा भाई, अब एक बार इंजन की भी स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं। यहाँ पे अब हम बाहर आ गए हैं गाड़ी से, आपको अभी तक ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताओ। अब इंजन की स्पेसिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो भाई ये जो गाड़ी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे 1200 cc के टर्बो रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन में भी है, जिसकी पावर है 120 PS की, साथ ही साथ टॉर्क है 170 Nm का। अब ये गाड़ी सेकंड इंजन ऑप्शन है जो कि हमारे पास 1500 cc का टर्बो चार्ज रेवर टॉर्क इंजन है, जिसका पावर है 115 PS का और टॉर्क देता है 260 N का। ये रहा, अब भाई यहाँ पे लास्ट टॉपिक आ गया हमारा कि गाड़ी में क्या क्या फ़र्क थे। आपको मैं पहले प्राइस डिफरेंस बताता हूँ, 60,000 रुपये का फ़र्क है जो यहाँ पे XM वेरियंट आता है ना, XM वेरियंट की कॉस्ट आज करेंटली जनवरी 2023 में यहाँ पे एक शोरूम हमें देखने को मिल रहा है 8,69,000 का, और XMS का एक शोरूम तकरीबन आ रहा है 9,29,000 का। तो टोटल यहाँ पे 60,000 का फ़र्क है, जिसमें चार फीचर्स भाई एड ऑन हुए हैं इस वेरिएंट में। पहले फीचर की अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पे सनरूफ एड ऑन हुआ है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ऑटो हेडलैम्प्स का सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये ऑटो हेडलैम्प के साथ रेन सेंसिंग वाइपर ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये यहाँ पे सेंसर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ लास्ट फीचर जो रहा स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल का, तो गाड़ी में अगर हम बात करें ये यहाँ पे स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें दे दिए गए हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताओ। प्लस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच, मैं हूं संजय सक्सेना।